हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद कासगंज के थाना पटियाली क्षेत्र के भरगैन से एक बंद पड़े मकान में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पटियाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बा भरगैन स्थित कदीर आलम के खाली पड़े मकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में शस्त्र बनाए जा रहे थे। तभी थाना पटियाली इंस्पेक्टर गंगा प्रसाद ने टीम के साथ मुखबिर की ओर से बताए गए स्थान पर दबिश दी। इसमें पुलिस ने दो अभियुक्तों को भारी मात्रा में बने और अधबने शस्त्र एवं शस्त्र बनाने के उपकरण समेत बरामद किया। कासगंज से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या कुछ खुलासा प्रेस वार्ता के दौरान किया गया है? देखिए, अपराध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु हमारे स्तर से लगातार टीमों का गठन करके इसमें लगाया जाता है। इसी परिपेक्ष में कस्बा भरगैन जो कि थाना पटियाली में पड़ता है, वहाँ पे एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें दो लोगों के गिरफ्तारी करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई है। एक का नाम है कादिर आलम और दूसरा नाम है अशोक शर्मा, जो इसमें अभियुक्त फरार है। उनका नाम ब्रिजेश शर्मा, फूले, छोटे खां इत्यादि है। ये लोग अपने असलाह जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में प्रत्येक असलाह को बेचते हैं। इसमें हम लोगों को 10 पूरे बने हुए तमंचे अलग अलग बोर के, 10 अध बने तमंचे, काफ़ी सारी मात्रा में कारतूस, फूका कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। जो इस फैक्ट्री में यूज़ होने वाले जो उपकरण हैं वो भी इसमें इक्विपमेंट्स जो है वो बरामद हुए हैं। सीओ पटियाली और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में इन टीमों का गठन करके लगाया गया। देखिए, कासगंज, एटा और अन्य जो भी बॉर्डरिंग हमारे जनपद है वहाँ पे इन लोगों का सप्लाई था। कुछ और लोग इसमें मिलना हम लोगों को बाकी है, 3 लोग इसमें फरार है। सघनता से पूछताछ इन लोगों से की जाएगी और जेल भेज जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।